आपका एक और फिर से वेलकम है ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं चार्जिंग स्पीड टेस्ट इन तीनों डिवाइस के बीच में, जो कि Mi 11X है, Realme GT Neo 2 है और Realme का X7 Max है। इनके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इन द बॉक्स देखने को मिलता है सुपर फास्ट चार्जर, इन्हीं का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले चार्ज होता है और कौन सा फ़ोन सबसे पीछे जो चार्ज होता है। अगर आप अनुमान लगाओगे तो अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट कितना डिफरेंट आता है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और स्टॉप वॉच के रूप में काम करने वाला है हमारा पोको X2, तो इस डिवाइस के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो फिलहाल मैं इन्हें कर लेता हूँ सेटअप ताकि आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। अभी फिलहाल तीनों फ़ोन है जो बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं और भाई इन्हें डेड करने के पीछे इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना इस वीडियो के लिए कि क्या बताऊँ मैं। यानी बहुत मेहनत लगी है बैटरी को ख़त्म करने के लिए, इतने सारे फ़ोन हैं तो मेहनत तो काफ़ी लगा है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों को मैंने ऑन करके सेट कर लिया है। अभी हमारा है जो Neo 2 चल रहा है 5% के ऊपर और हमारा Mi 11X चल रहा है 10% के ऊपर और यहाँ पे हमारा जो X7 Max चल रहा है 7% के ऊपर। तो अभी परसेंटेज की बात करें ना तो Mi 11X थोड़ा सा आगे निकल रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि कैसे क्या देखने को मिलता है। और इधर टाइमिंग चालू है तो कंप्लीट चार्जिंग के बाद मिलते हैं और सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस लास्ट तक वॉच करना और पसंद आए तो शेयर जरूर करना। इसके पहले मैंने है जो आपको GT Neo का अनबॉक्सिंग, X7 Max का अनबॉक्सिंग, कैमरा कंपेरिजन, कैमरा टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किया है और बहुत सारे वीडियोज और आने वाले इन तीनों डिवाइस से रिलेटेड, तो भाई उसके लिए वेट जरूर करना। फाइनली कंप्लीट चार्ज हो चुका है तीनों फ़ोन यहाँ पे 100%, लेकिन कुछ यहाँ पे लोचा जैसा देखने को मिला है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अपनी नाक को बचाने के लिए इन दोनों Realme स्मार्टफोन ने खुद को एक दूसरे के पीछे करने के लिए काफ़ी जल्दी चार्ज किया है, क्योंकि जब भी मैंने इनका चार्जिंग टेस्ट किया है ना सिंगल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम देखने को मिला। लेकिन आज के इस कंपटीशन के अंदर भाई इन दोनों ने कमाल करके दिखाया है और यहाँ पे भी इसने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सभी का टाइम यहाँ पे मैंने नोटिस कर रखा है कितने टाइम पे क्या परसेंट हुआ है कंप्लीट, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक वॉच करना और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कर लेना। तो आते हैं स्क्रीनशॉट कलेक्शन के ऊपर। फर्स्ट 15 मिनट के चार्जिंग पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो #1 दिखाई दे रहा है 15 मिनट, हमारा X7 Max से जो 46% पे पहुँच गया था और हमारा Mi 11X 39 के ऊपर और हमारा है जो Neo 2 जो कि 55 के आसपास, तो ये करीब करीब 50% पहुँच गया था, प्लस चला गया और ये 50% के आसपास और ये 40 के आसपास गया है जो कि 15 मिनट का है। तो काफ़ी अच्छा चार्जिंग ले रहे हैं तीनों, यानी आपके पास थोड़ा सा टाइम है 15 मिनट का और आपका फ़ोन डेड होने वाला है या डेड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 मिनट के टाइमिंग पे आपका फ़ोन कितना चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो, आ सकते हो बाहर से कहीं जाना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा 30 मिनट है, तो 30 मिनट जब हम इसे चार्ज करते हैं तीनों फ़ोन को तो ये कंप्लीट हो जाता है 78% जो कि X7 Max है और Mi 11X पहुंच जाता है 62 के आसपास का और हमारा Neo 2 पहुंच जाता है 97, यानी यहाँ पे भाई ये पूरा का पूरा 100 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन पता है ना कि जैसे लास्ट जाता है चार्जिंग वैसे ही थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आगे यहाँ पे आता है हमारा नंबर 3 जो कि 33 मिनट है, तो 33 मिनट पे है जो हमारा ये जो फ़ोन है Neo 2 ये हो जाता है 100% कंप्लीट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको चार्जिंग शो करता है जबकि यहाँ पे नंबर आपको 100 देखने को मिलता है। और ये Realme के डिवाइसेज में मैंने नोटिस किया है, ना कि यहाँ पे हमारे Redmi MI और Poco के डिवाइसेज के अंदर। तो यहाँ पे जो है 33 के अंदर ये पूरा चार्ज हो जाता है बट स्टिल चार्जिंग ले रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है हमारा 39 मिनट, तो 39 मिनट पे है जो ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो चार्जिंग जो ले रहा था ये रुक गया है, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा है ये चार्ज लिखने के अंदर। और वहीं पे हमारा जो ये सेकेंड डिवाइस है, वहीं पे हमारा जो Mi 11X है ये चला जाता है 39 मिनट पे 79% और हमारा जो X7 Max है 39 मिनट पे चला जाता है 94 के आसपास, यानी ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है फुल्ली जो कि 39 मिनट का है। और मैंने वन डे पहले इसका चार्जिंग स्पीड टेस्ट किया था सिंगल, जब ये पूरा कंप्लीट 45 मिनट में हुआ था, लेकिन आज इसने थोड़ा कमाल करके दिखाया है और काफ़ी कम टाइम लिया है और यहाँ पे 39 में ये कंप्लीट हो गया, जो कि मुझे थोड़ा सा एडवांस देखने को मिला पहले वाले के कंपेरिजन में। इसलिए मैंने कहा कि भाई अपने इज्जत बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए इन दोनों ने काफ़ी जल्दी जो खुद को चार्ज किया है।
अनदर आते हैं यहाँ पे जो कि हमारा 45 मिनट है। तो 45 मिनट में हमारा जो X7 मैक्स है ये पहुँच जाता है 98%, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे हमारा जो है Mi 11X ये पहुँच जाता है 85 के आसपास का। अनदर जो आता है हमारा है वो है 47। जैसे ही 47 यहाँ पे कंप्लीट होता है ये भी जो खुद को चार्ज कर लेता है और 100% शो कर देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टिल आप देखोगे कि चार्जिंग दिखाई दे रहा है जैसे कि इस फ़ोन में हमें देखने को मिल रहा था। तो ये एक तरह से मैनिपुलेट कर रहा है कि भाई हम चार्ज पहले हो गए हैं बट स्टिल चार्जिंग लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे कमी देखने को मिला है थोड़ा बहुत रियलमी के अंदर, जो कि सुधारना चाहिए। जब 100% हो गया तो हर एक जगह 100% होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नंबर में 100 शो कर दो और स्टिल चार्जिंग लेते रहो, ये कोई मतलब थोड़ी ना है। तो ये इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। बाकी आगे को चलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है 52 मिनट। तो 52 मिनट में हमारा जो X7 मैक्स है ये कम्प्लीट चार्ज हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग का अब हट चुका है और चार्ज लिखा हुआ आ चुका है, तो ये कम्प्लीट हो चुका है। और वहीं पर हमारा जो Mi 11X है ये 95 के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद हमारे जो देखने को मिलता है ये 100% कंप्लीट, जो कि 1 आवर 1 मिनट के अंदर है। और इसके पहले जो मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट किया था सिंगल, तब मुझे ये 1 आवर 10 मिनट के आसपास का देखने को मिला था, और ये भी करीब करीब 55 मिनट के आसपास देखने को मिला था, और ये है 45। लेकिन आज कंपटीशन के टाइम में तीनों ने जो काफ़ी कमाल करके दिखाया और काफ़ी क्विक खुद को चार्ज किया है, फिर भी नंबर 1 पे हमारा आ जाता है नियो 2, नंबर 2 पे X7 मैक्स और नंबर 3 पे हमारा है जो Mi 11X। तो इस तरीके से आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिलता है, जहाँ पे ये 5000 mAh होने के बावजूद भी काफ़ी क्विक चार्ज किया है, 4500 होने के बावजूद भी थोड़ा सा लेट चार्जिंग किया है, और इसका तो आपको पता ही है कि क्या है। तो भाई इस तरीके से आपको ये चार्जिंग डिटेल देखने को मिलता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।